दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। दरअसल इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और हालात देखिए, दिल्ली का शास्त्री पार्क इलाका, यहाँ पर आप हालात देखिए, कूड़े के ढेर लगे। और सबसे बड़ी बात यह है, बारिश हो गई है, बारिश की वजह से जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे में महामारी फैलने का खतरा है। मक्खियाँ भी यहाँ पर है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है। लोगों से ही बात करते हैं जो आसपास के रहने वाले। तो जी, आप बड़े पुराने यहाँ के रहने वाले, हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर विश्व में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में है, और यहाँ जिसके कारण कूड़ा भी ज़्यादा निकल रहा है, तो फिर जिंदगी में कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है। इस वजह से यहाँ बीमारी होने का खतरा कम हो रहा है। दोबारा से बीमारी को फिर निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी की हड़ताल के कारण या तो सरकार की किसी टाइटल नहीं है, जिसके से लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, 3 महीने से लगातार वेतन न मिलने के कारण स्थिति गंभीर हो रही है। ये तो आप एक छोटा सा एरिया, हर गली में आप यहाँ भी देखें। तो क्या ये कहा जाए कि बीमारियों को जो है कहीं ना कहीं एक तरह से निमंत्रण दे रही है सरकार? ऐसा लग रहा है कि बीमारी को निमंत्रण दिया जा रहा है। आइए डेंगू और विकट स्थिति हो जाएगी। सरकार को चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को चाहिए, दिल्ली नगर निगम को चाहिए कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, स्ट्राइक को तोड़वाएं, ताकि जो कूड़ा है वो उठ सके और जो लोग जो परेशानी झेल रहे हैं वो परेशानी से उनको निजात मिल सके। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।